आलिया भट्ट इन दिनों अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर चर्चा में है। वे एक और खास बात को लेकर लगातार खबरों में हैं। वह बात है रणबीर कपूर के साथ अफेयर की। रणबीर और आलिया दोनों अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र कर रहे हैं और खबर है कि दोनों के बीच बॉन्डिंग अच्छी हो गई है। इस बीच अगर बात करें आलिया भट्ट की शादी की तो खुद आलिया ने इसको लेकर एक दिलचस्प बात बताई है। दरअसल आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम के जरिए अपने फैंस से बातचीत की। इस दौरान फैंस ने आलिया से पर्सनल और प्रोफेशनल सवाल पूछे। एक सवाल शादी के बाद एक्टिंग को लेकर था कि क्या वे शादी के बाद एक्टिंग जारी रखेंगे। इस सवाल के जवाब में आलिया ने लिखा कि आपको स्टेटस के अलावा किसी भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। मैं एक्ट करूंगी और जब तक हो सकेगा एक्ट करूंगी। आपको बता दें कि सोनम कपूर की शादी के रिसेप्शन में जब रणबीर और आलिया साथ पहुंचे थे तब से ही दोनों के बीच नजदीकियों की चर्चा हो रही है। कई बार शादी को लेकर भी बात सामने आई। रणबीर से जब पूछा गया तब उन्होंने कहा था कि अभी नया नया रिश्ता है तो समय लगेगा। वहीं आलिया ने तो करण जौहर के प्रसिद्ध शो कॉफी विद करण में कह दिया था कि वे रणबीर कपूर से शादी करना चाहती हैं। बात करें रणबीर के पिता ऋषि कपूर की तो वे भी रणबीर की शादी को लेकर कुछ दिनों से बात करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा था कि अब समय आ गया है जब रणबीर को शादी कर लेनी चाहिए। खैर यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर आगे क्या होता है। फिल्म ब्रह्मास्त्र की बात करें तो अयान मुखर्जी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट के अलावा अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया भी होंगी। इस फिल्म में रणबीर आलिया की जोड़ी के साथ साउथ सुपरस्टार नागार्जुन की भी एंट्री हुई है। आपको बता दें कि डिंपल तकरीबन 30 साल बाद फिल्मी पर्दे पर आएंगी। इससे पहले वो 2015 में आई फिल्म वेलकम बैक में दिखी थी। नागार्जुन की बात करें तो 1990 में राम गोपाल वर्मा की सीवा के साथ बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया था और 15 साल पहले रिलीज हुई जेपी दत्ता की एलओसी कारगिल उनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी। खबरों के मुताबिक नागार्जुन के अपोजिट डिंपल कपाड़िया होंगी। रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र में पहली बार एक सुपर हीरो के रूप में नजर आएंगे। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन कंपनी के अंतर्गत बन रहे ब्रह्मास्त्र को 15 अगस्त 2019 के दिन रिलीज किया जाएगा।